अस्सलामुअलैकुम हो गया थे। हैं जी अस्सलामुअलैकुम हो गया थे। हो गया था पोल में टीका ला देने जी तुहानू नहीं होया था। फिर की होया जी अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम तो होया की जरा की अगे की यार सुधी नहीं होया था मैं क्या अस्सलामुअलैकुम हो गया थे। हाँ तो भाई लोग आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल सीरीज के पार्ट नंबर 9 में हमने आपके लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुन कर पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजेदार वीडियो इकट्ठा की है जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। फातिमा मनिया तू सोनी है पर आ की गल हुई कि न्याणे नु 10-10 20-20 रुपये दे के कहनी है कि मेनू कतरीना कैफ कहो है। फातिमा व्हाट इज दिस बिहेवियर वड्डी हो जा हुण तू। वीडियो पसंद आने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मजा आएगा ना दोस्तों। अब जरा उस लड़के को देखिए जो ग्राउंड में चलते हुए मैच की वीडियो बना रहा है। और अब इस लड़के को देखिए जो अपने पिता की टांगे दबाते दबाते कुछ ज्यादा ही जोर लगा देता है। तू और थक भी गया ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। भाई जरा यह भी देखिए शादी के लिए तो लड़कियों को फॉर्च्यूनर वाला लड़का चाहिए लेकिन कॉलेज की बस में बैठने के लिए ये क्या कर रही हैं? चूचे लेके आ गए ए गोल्डन चूचे आ गए रंग बिरंगे चूचे आ गए ए बढ़िया चूचे आ गए लोहे तो चूचे सुखिया रोटियां तो चूचे पुरानी लैलन तो चूचे। अब देखिए इस गाड़ी वाले शख्स को लगता है यह कमरे में मोबाइल चलाने वाले लड़के को उठाकर लाया है और कह रहा है चल भाई गाड़ी बाहर निकाल। जल्दीबाजी में ऐसा सीन हो जाता है कि देखने लायक है। और अब देखिए यह देसी जुगाड़ इस लड़के ने पेट्रोल बचाने के लिए जो तरीका निकाला है वह देखने लायक है। यहाँ पर देखिए शायद बिरयानी मिलने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई है तो उस बच्चे को देखिए जो इंतजार करते करते सो गया। अरे घबराने पवदई जीतो यारी सभी घबराने पवदई। बच्चा भी सोच रहा होगा बिरयानी के इंतजार की भी हद हो गई और ये लड़का शायद अपने छोटे भाई के खिलौनों में से छुपाकर सीटी ले आया है लेकिन देखिए ये सीटी तो इसे भारी पड़ जाती है। आपने दुकानों पर वह बॉक्स देखे होंगे जो ज्यादातर झकात और दान के लिए होते हैं लेकिन यहाँ तो हद हो गई। लिखा है चंदा बराए आईफोन 16। कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एक दूसरे को सलाम करना नेक काम है लेकिन जरा इस वीडियो को देखिए इन चाचा जी का यह सलाम सामने वाले के लिए कुछ ज्यादा ही भारी पड़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यह लड़का जैसे ही हाथ मुंह धोने के बाद वापस जाने की कोशिश करता है शायद यह बात भूल जाता है कि ऐसे पत्थरों पर ज्यादातर फिसलन होती है। फिर देखिए यह पत्थर उसे यह बात अच्छे से याद दिला देता है। पढ़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना तो ये वर्ण इसको कहते हैं। प्रोग्राम तो वड़ गया। बाबा जी की हरकतें देखने के बाद किसी ने तो वहाँ ऊपर लिख दिया कि बाबा जी मौत के फरिश्ते का पीछा करते हुए। अब जरा आप इस लड़के को भी देखिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और क्लास के पीछे फुल डांस चल रहा है। वैसे आपस की बात है डांस तो ये लड़का शादी में करता है मुझे तो लगता है कि इसे यहाँ पर कोई दौरा वगैरह पड़ा है और आसपास खड़े लोग समझ रहे हैं कि ये डांस कर रहा है।
और ये भाई साहब हैं पूरे रोड के नवाब। इन्होंने तो कसम खा ली है कि किसी और को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जरा देखिए कि ये बाइक पर क्या लेकर जा रहे हैं। अबे साले तभी मैं माफ करना गुस्से में। और भाई वो कौन लोग थे जो कहते थे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती? पाकिस्तान में तो यह भी मुमकिन हो गया है। जरा ये वीडियो देख लीजिए। और इस दूल्हे बेचारे के शादी वाले दिन उसके दोस्तों ने इसका जो हाल किया है, ये दूल्हा भी सोच रहा होगा कि मैंने ये शादी क्यों की। और पाकिस्तान के किसी भी मजेदार मेले वाले इवेंट में आपको कम से कम एक दो शबनम के आशिक जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि जरा इन्हीं दोनों को देख लीजिए। ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। और यह वीडियो देखिए जहां दूल्हे के दोस्तों ने अपना ही फोटोशूट शुरू कर दिया। दूल्हे को मोबाइल पकड़ा दिया और बोले, जा बच्चे हमारी तस्वीर खींच। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। लेकिन इस जगह पर तो दूल्हे के दोस्तों ने उसे सुपरमैन नहीं बल्कि सुपर अमीन बना दिया है। राजी रूपांतर अंदर करो। ये तो सुपरमैन है। अब जरा इन चाचा जी को देखिए। शादी करने की असली उम्र तो इनकी है और इनका भी कहना है, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? और दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि इतना कॉन्फिडेंस इनमें आता कहाँ से है। ये बंदा अपने गांव गया होता है लेकिन वीडियो बनाना भी जरूरी होता है। डॉलर को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करे तो 1,30,00,000 रुपया बनता है और 50,000 महीना कमाने वाला शख्स अगर 20 साल जॉब करता रहे तो उसकी जो महाना इनकम 50,000 के हिसाब से 1,20,00,000 रुपया 20 साल की बनेगी। खाओ माँ कसम। लो जी तो अनवर जी गुरबत दिन तो हाँ बहाने यार। ਪੈਸੇ ਉੱਠ ਬਾਹਰ। ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੇਖੇ ਭਾਈ, ਯੇ ਤੋ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। इसे तो ऊपर चढ़ने के लिए पहले अपने पेट को ऊपर पहुंचाना पड़ता है। ओ भाई मारो मुझे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। और इस जगह पर पीछे पड़े हुए ब्लॉक से टकराने के बाद इन भाई साहब का तो पूरा रिवर्स गियर लग जाता है। जरा आप इसकी हरकतें भी चेक करें जो कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही हंस रहा है। कंट्रोल। अब जरा इस गंजे के कारनामे भी देखिए। ये अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने के लिए पॉलिथीन में पानी भरकर लाता है लेकिन प्रैंक उल्टा उसी पर हो जाता है। वैसे जब भी कोई रिश्तेदार की शादी में जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई फूफी या खाला जरूर होती है जो आकर कहती है, बेटा तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हारा नंबर कब है? तो देखिए इस लड़के ने इस सवाल का सही जवाब दिया। अरे बेटा माशाल्लाह बड़े हो गए हो, अब आपकी बारी कब है? आंटी मैं तो राजी हूँ, बस आप छोटी का रिश्ता दे दें। मजा आया। यहाँ पर ये लड़की स्नैप बना रही होती है और ये लड़का केक खाने की कोशिश करता है। फिर देखिए लड़की कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है। लोगों का गुस्से में मुंह काला हो जाता है लेकिन इन मैडम ने तो गुस्से में अपना चेहरा पीला कर लिया। और ये ब्रूसली के जमाने का रिश्तेदार
जमी हुई झील पर स्केटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जरा देखिए आखिर में इसके साथ क्या मजा लग जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। इस जगह पर लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें पानी से भरी थैली को बिना देखे एक दूसरे को पास करना होता है, लेकिन इस आंटी को तो हेडशॉट लग जाता है। बोलना भी हूँ क्या कर रही बोल। और इस इवेंट में दोनों सिंगिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट अपने टीचर को माइक देने की कोशिश करता है, लेकिन माइक तो टीचर के सिर पर लग जाता है। जरा स्टूडेंट का रिएक्शन देखें, जो सोच रहा है इवेंट के बाद मेरा क्या होगा। Once more. अब जरा इन भाई साहब के कारनामे भी देखिए, जिन्हें शादी की कुछ ज्यादा ही खुशी है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और इस लड़के को बिना देखे ऊपर लटकी मटकी को लकड़ी से तोड़ना होता है, लेकिन देखिए ये मटकी की जगह फूल को तोड़ देता है और समझ रहा है कि उसने सच में मटकी तोड़ दी। अब जरा इस लड़के का डांस भी देखिए। इसके डांस पर इसके बेड ने भी जवाब दे दिया कि भाई मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। हम नहीं रोएंगे अब। और दोस्तों, इस वीडियो में जरा आप देखें कि मोहतरमा खाना तैयार करके अपने पति को देती है, लेकिन जैसे ही खुद अपनी प्लेट लेकर कुर्सी पर झुकती है उनके पति ऊपर उड़ जाते हैं। इस लड़की ने शायद फिजिक्स अभी तक ठीक से नहीं पढ़ी थी। एक बाल्टी पर जब इस तरह का दबाव पड़ेगा तो उसका काम तो होना ही है। और इस बंदे का झूला झुलाने के दौरान झूला दूसरे पेड़ से खुल जाता है। अब जरा इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का डांस भी देखिए। भाई आज अब्दुल्ला शायद पूरे मूड में है। इस सोफे पर बैठने के दौरान लड़की गलती से नीचे गिर जाती है, लेकिन जरा इस बंदे को देखें जो गिलास को संभाल रहा है कि भाई ये नहीं टूटना चाहिए। ये दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी के फोटोशूट के लिए इस जगह को चुनते हैं, लेकिन शायद इस गाय को इनकी लोकेशन पसंद नहीं आती। ये लड़का बारिश में पूरा बरसाती मेंढक बनकर डांस कर रहा होता है, लेकिन शायद इसके फोन का भी डांस करने का मन कर गया। अब जरा इस बंदे को भी देखिए जो अपनी वाइफ के साथ मजे कर रहा होता है। जैसे ही ये बंदा केक को खराब करने की कोशिश करता है, वाइफ शायद आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में होती है। आज तो हासा मजाक बंद, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है लाइफ नू सीरियस लेने दी। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरा तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार।